हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अजीब किस्म का है और इसे गौर से देखने की जरूरत है आप सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज के जमाने में इतनी बीमारी फैल रही है? आखिर क्या वजह है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमारी मार्केट में आ जाती है? लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बगल वाली घंटी को भी बजा दीजिए ना। हाँ जी, ऐसे ही। अपने पुराने जमाने में बुजुर्गों के मुंह से एक बात सुनी होगी कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर निकलता है, लेकिन अब ये कहावत बदल गई है, या यूं कहें कि बदलने का वक्त आ गया है। आज के जमाने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इंसान की बीमारी का रास्ता पेट से होकर निकलता है। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल सारी बीमारियां इस पेट की वजह से ही तो हो रही हैं, और इसका मेन कारण है खाने पीने वाली चीजों के साथ खूब मिलावट। ये बात किसी से छिपे नहीं है कि किस तरह आजकल खाने पीने वाली चीजों के साथ दुकानदार से लेकर होलसेलर मिलावट का जहर आपके पेट तक पहुंचाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आमतौर पर खाने पीने वाली चीजों जैसे घी, मावा, तेल, चीनी, चावल, दूध, मसाले आदि में मिलावट ज्यादा होती है, लेकिन समय की कमी के चलते हम बिना जांचे परखे मिलावटी सामान ही खरीद रहे हैं। छोले भटूरे की सच्ची कहानी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बात तो तय है कि आप हर संडे को जरूर नाश्ते में छोले भटूरे खाते होंगे। बड़े शौक से दुकान जाकर अपना मनपसंद नाश्ता करते होंगे। जब प्लेट में छोले भटूरे हरी हरी मिर्च के साथ आते हैं तो मुंह से पानी आ जाता होगा। लेकिन आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी, जिसे देखने के बाद आप छोले भटूरे को खाना भूल जाओगे। देखिए जरा कैसे यहाँ काम करने वाले लोग भटूरे को अपने पैरों से पीस पीस कर तैयार कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब यही खाना आपके पेट में जाएगा तो आप पे क्या बीतेगी। लेकिन दुकानदार को कभी शर्म नहीं आएगी। देख लीजिए खुद ही इनके घटिया हरकत, पाव भाजी में हो रही है मिलावट। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए भाइयों, कॉम्पिटिशन का जमाना है। हर दुकानदार अपनी दुकान में बेस्ट खाना रखना चाहता है। बेस्ट, लेकिन क्या क्वालिटी में? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर दुकानदार अपनी क्वालिटी बढ़ा देंगे तो मुनाफा कैसे ज्यादा कमाएंगे? और शायद इसीलिए पाव भाजी को लाल रंग देने के लिए हो रही है ये घटिया हरकत। आप यकीन नहीं कर सकते कैसे दुकानदार भाजी में लाल रंग मिलाकर इसे कलरफुल बना रहे हैं। सोचिए अगर ये आपके पेट में जाएगा तो क्या होगा आपके साथ। शहद में मिला रहे हैं घटिया चीनी। दोस्तों, आप चौंक जाएंगे किस तरह से बड़ी सी कंपनियां अपने कस्टमर के साथ कर रही है धोखा। कैसे चतुराई के साथ शहद के नाम पर लोगों को खिलाया जा रहा है चीनी का घोल। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि ये शहद असली है कि नकली। शहद की शुद्धता पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि शहद की एक बूंद को अंगूठे और उंगली के बीच रखें और तार बनाने की कोशिश करें। अगर तार मोटा बन रहा है और शहद अंगूठे पर ही जमा है तो वो शुद्ध है। वहीं नकली शहद पतला तार बनाता है और उंगलियों पर फैल भी जाता है। दूध के साथ गंदा खेल। भाइयों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि दूध में सिर्फ पानी की ही मिलावट होती है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि दूध में पानी के अलावा डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, साबुन और अन्य घातक केमिकल्स की भी मिलावट की जाती है। यहाँ तक कि लोग इन्हीं मिलावटी चीजों से नकली दूध भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जरा इस वीडियो को, कैसे दूध के साथ कुछ लोग कर रहे हैं जानलेवा मिलावट। जरा सोचिए अगर ये दूध किसी बच्चे ने पी ली तो क्या होगा छोटे बच्चे के साथ। चावल। बहुत से लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि आजकल चावल भी बाजार में नकली बिक रहा है। जी हाँ, इन दिनों प्लास्टिक के चावलों की भरमार है। इस तरह के चावल पकने के बाद असली नजर आते हैं और असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस चावल को खाने से आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी तक के शिकार हो सकते हैं? चीन से इस तरह का चावल हमारे देश में खूब आ रहा है। हरी सब्जी है या ये है जहर? अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में आने वाली हरी सब्जियां कुछ ज्यादा ही चटक हरे रंग की होती हैं। इन्हें ज्यादा हरा दिखाने के लिए इनमें मेलाकाइट ग्रीन कलर मिलाया जाता है। ये केमिकल हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, चलता हूँ अगली वीडियो के रिसर्च में। बाय बाय।